नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल धारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि दोस्तों आप यानी कि कॉल डायलर की पर अपना बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो कैसे लगाए। तो दोस्तों आप कॉल डायलर के बैकग्राउंड में आप अपना फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ आप बने रहिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे आप नया आ गए घूमते फिरते हैं तो ये लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों और यहाँ पे नीचे चले जाना और यहाँ पे आपको एक कमेंट है, जो यहाँ पे आपको एक कमेंट है यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर जो आपको एक कमेंट है कर देना है, यहाँ पर नाइस वीडियो, यहाँ पर आप नाइस वीडियो कमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर आपके मोबाइल में ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो प्ले स्टोर पे आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, यहाँ पर माई फोटो कॉल डायलर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगा दूसरे नंबर का। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन का आप लोगो देख लीजिए, यानी कि इस टाइप का लोगो है। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, माई फोटो डायल। तो इस एप्लीकेशन को मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने पे दोस्तों यहाँ पर है जो एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप यानी कि आसानी से यानी कि कॉल बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर स्टार्ट पे जो आपको क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड आएगा, तो ऐड आपको यहाँ पे ऐड को जो आपको स्किप कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली इस एप्लीकेशन में यहाँ पर सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैंने सेटिंग पे जो क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है जो यहाँ पर सेट डायल बैकग्राउंड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने फ़ोटो जो यहाँ डायल पैड पर लगा रखा है बैकग्राउंड पर, तो दोस्तों आप भी इस तरह से यानी कि फ़ोटो आप लगा सकते हो, या अपने दोस्त का या अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर आप अपना खुद का फ़ोटो आप इस टाइप से यानी कि लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं फ़ोटो लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो फ़ोटो जो चेंज करने वाला हूँ बैकग्राउंड में, तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो बटन भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर से चेंज यहाँ पर बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर चेंज फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको फ़ोटो का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन है जो यहाँ पर चूज़ यानी कि गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर गैलरी पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके फ़ोन गैलरी में से आप अपना फ़ोटो लगा सकते हो या फिर अपने दोस्त का भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो एक फ़ोटो जो मैं लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर ये फ़ोटो पे जो मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों ये वाला फ़ोटो जो मैं लगाने वाला हूँ, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से आप जितना फ़ोटो आप लगाना चाहो यानी कुछ साइज सा आप यहाँ पर रख लीजिए, आप जितना भी आप लगाना चाहो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐड आएगा, तो आपको ऐड स्किप कर देना है। और दोस्तों आप देख लीजिए यानी कि बैकग्राउंड पे कॉल डायलर के बैकग्राउंड में जो फ़ोटो जो आसानी से यानी कि चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इस टाइप से यानी कि फ़ोटो जो आप आसानी से जो कॉल डायलर की स्क्रीन पे आया यानी कि आप कॉल डायलर के बैकग्राउंड में अपना फ़ोटो जो आसानी से आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से जैसे कि मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डायलर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ डायलर पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने डायलर पर जो क्लिक कर दिया है, तो दोस्तों आपको डायलर पे क्लिक करके यहाँ पे आप नंबर डायल करके यानी कि कॉल भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप कॉल भी लगा सकते हो। तो दोस्तों डायलर पैड बैकग्राउंड में आप इस टाइप से यानी कि आप फ़ोटो जो बैकग्राउंड पे आप चेंज कर सकते हो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।